अल्लाह के भी सिफाती नाम 99, तो ताला लगने के बावजूद भी एक नाम तो बड़ा नहीं, अल्लाह ताला। लेकिन अल्लाह का नाम होना चाहिए सब, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कम अगर रखता। लेकिन अल्लाह के जितने सिफाती नाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी उतने ही सिफाती नाम है। इसलिए ताला होने के बावजूद भी चाबी के पास, अब यू समझ लीजिए, ताला होने के बावजूद भी तमाम चीजों को खालिक ने पैदा किया, तमाम कायनात को पैदा करने वाला, तमाम चीजों को बनाने वाला, बनाने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से रजिस्ट्री है। अब ये आपका, आप जिसको चाहिए दीजिए, जिसको चाहिए नहीं, ये उनके नाम हो गए। इसलिए कि जो अल्लाह चाहा वो नहीं होता, लेकिन जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहेंगे वो हो जाए। इसलिए कि एक बार का वाक्य है कि हुजूर सरवरे कायनात एक चटाई मुबारक पर तशरीफ फरमा लेटे हुए थे, उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला सामने आए, सलाम किया, फिर हजरत अबूबकर आए, सलाम किया, तो हुजूर सरवरे कायनात बैठे। तो चटाई पर जो लेटने से, चूंकि उनका बदन उस वक्त खुला हुआ था, उसी तरह का पैरहन नहीं पहने हुए थे, घर में थे, अपने हालत में थे, चटाई पर दो जहान के बादशाह लेटे हुए थे। जब उन लोग आए तो उन्होंने अपना उठाया, तो पीछे के साइड से नजर उनको आया कि चटाई का जो दाग है उनके पीर मुबारक पर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ये देख कर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत ही अफसोस हुआ कि दो जहान के मालिक ऐसी चटाई, ऐसे चटाई पर लेटे हुए हैं, इस चटाई का दाग जो है इनके पीर मुबारक पर लगा हुआ है, जो नबूवत जो था उस पर लगा हुआ है। ये देख कर उनको बहुत काफी अफसोस हुआ। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल हैं, तमाम रसूलों के रसूल हैं, कायनात के आप रसूल हैं, ये हालत क्यों है? उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को तुरंत अल्लाह ने भेजा, कहा कि जाकर के आप कहिए, कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहें तो ये जो सफा मरवा जो पहाड़ी है, इसको हम सोने का बना देते हैं, आओ सोने के पहाड़ी पर एक हीरे का एक तख्त होगा, और उस पर जो है जमुरत से उसमें सजाया जाएगा, और उसके बाद उस पर आप बैठिए, और उसमें ये हालत कर देंगे कि जहां आप चाहिए उसको ले लें, उस पहाड़ को जहां भूख में दीजिएगा वहां वो चलेगा। तो हजरत जिब्रील अलैहि सलाम के कहने के बाद हुजूर सरवरे कायनात ने क्या फरमाया, कह जिब्रील, क्या तुम नहीं जानते कि जिसका यहां मकान है उसका वहां मकान नहीं, जिसका यहां मकान है उसका वहां मकान नहीं, जिसका यहां बासात है उसका वहां बासात नहीं। इस तरह से सारी बातों को समझा कर कहा कि ये सारी चीजें हमको नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह को आप जाकर कह दीजिए कि हम जो है, जब आप ही हमारे हैं तो कायनात के बनाने वाला ही हमारा है, हम उसके मालूम है, तो फिर हमको इस सामने के पहाड़ से क्या मतलब है? अब हमको सोने की पहाड़ ताऊ की क्या जरूरत है? हम जिस हाल में है इसी हाल में ठीक, हम दुनिया को समझाने के लिए आए हैं कि बादशाह करने क्या है, हम तो कायनात के बादशाह है, अल्लाह ताला ने हमको हमेशा हमेशा की बादशाह का किया, इस बादशाह से क्या होगा कि सोने की पहाड़ी बना दे उस पर ये बना दे? ये तो वो सोचेगा जो कम अक्ल है, जिसके पास आप लोग फहम की कमी है, हमेशा कम। तो इससे साफ जाहिर हुआ कि अल्लाह ताला होते हुए भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रुतबा है उसको कोई नहीं जान सकता, इसलिए रुतबा उनका वही जानता है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह जानता है मोहम्मद का मतलब, मरतबा वही जानता। आम आदमी क्या पता है, आम आदमी को क्या पता है कि हाँ एक पैगंबर आए गए और उनके साथ क्या क्या मामला है, ये आम आदमी को क्या पता है, वो अपने हिसाब से जितना आप लोग वहां में सोचता है। इसलिए अल्लाह ताला जरूर, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रुतबा है वो किसी का ना हुआ ना हो सकता, इसलिए ताला पर बन जाए। अब चाबी निकालिए, चाबी के हिसाब से अपन बोलिए, अचानक बता के जुड़ेगा। सुभान अल्लाह।